हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्क एजुकेशन स्मार्ट लर्निंग। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे सीजीटी वर्क एक्सपीरियंस में जो टेक्निकल पेपर आपका आता है उसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिवाइसेस, डायोड्स एंड देयर बायसिंग। तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, पीएन जंक्शन इज, ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, ऑप्शन बी एन एम्पलीफायर, ऑप्शन सी एन इंसुलेटर, ऑप्शन डी एन ऑसिलेटर। तो एक पीएन जंक्शन क्या होता है? एक पीएन जंक्शन एक रेक्टिफायर होता है। ठीक है, पीएन जंक्शन एक क्या होता है? रेक्टिफायर होता है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी निगेटिव, ऑप्शन डी लाइक दैट ऑफ द मेटल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जहां भी बात होगी तो वहां पे क्या होगा? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इन द फिगर गिवन बिलो इज, ये एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इधर एक डायोड लगा हुआ है और यहाँ पर 8 वोल्ट की डीसी सप्लाई लगी हुई है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा? आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो डायोड है वो किस में है? रिवर्स बायस में है, क्योंकि इसका पॉजिटिव इधर कैसे ऐड है, इधर देखिए इसके इस टर्मिनल से कनेक्ट होता तो फॉरवर्ड वाइज होता, लेकिन ये किससे कनेक्ट है? इस टर्मिनल से कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है? ये इसको हम बोलेंगे रिवर्स बायस्ड। ठीक है, रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में डायोड क्या होता है? ऐसे ओपन सर्किट, क्या होता है? ओपन सर्किट, क्योंकि कोई भी कंडक्शन नहीं होता है। जब वो ओपन सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा तो इससे करंट कितना फ्लो होगा? करंट क्या हो जाएगा? करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओपन सर्किट की जब ये तरह बिहेव करेगा तो ये करंट क्या हो जाएगा? जीरो एम्पियर हो जाएगा। और जीरो एम्पियर होने की वजह से यहाँ पे ओपन सर्किट, तो ये वोल्टेज जो है 8 वोल्ट, ये टोटल यहाँ पे शो होने लगेगा इसके अक्रॉस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एक्टिव रीजन ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर एक्टिव रीजन ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ऑप्शन ए है एमिटर इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस, एमिटर इज नेगेटिव रिस्पेक्ट टू बेस, एमिटर इज एट सेम वोल्टेज एज बेस, बेस इज एट सेम वोल्टेज एज कलेक्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एमीटर क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, एमीटर जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा रिस्पेक्ट टू बेस। ये ऐसे होता है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये है कलेक्टर, ये है आपका बेस और ये है एमीटर। ठीक है, तो एमीटर क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी इसका जब हम यहाँ से सब सर्किल बनाएंगे तो ये इस तरह से होगा ऐसे। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव। सो द राइट आंसर इज बी, एमीटर इज नेगेटिव रिस्पेक्ट टू बेस, बेस के
रिस्पेक्ट में देखिए तो ये है क्या है आपका एमिटर निगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सेमी कंडक्टर। ऑप्शन है क्रोमियम, सेलेनियम, बिस्मथ एंड सिलिका। तो इसमें से कौन सा सेमी कंडक्टर है? सेलेनियम। सेलेनियम में क्या है? सेमी कंडक्टर। सो द राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, अ प्योर साइनसॉइडल करंट इज बीइंग रेक्टिफाइड, ठीक है। फॉर द गिवन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट इज 50 एम्पीयर, देन द आरएमएस वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन विल बी। ऑप्शन है 50 अपॉन पाई एम्पीयर, 100 अपॉन पाई एम्पीयर, 100 एम्पीयर एंड 70.7 एम्पीयर। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन का आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, आरएमएस वैल्यू आपका होता है आई मैक्सिमम अपॉन रूट टू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आई मैक्सिमम कितना है, आई मैक्सिमम हाफ ऑफ 50 है, फॉर द गिवन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ रेक्टिफाइड करंट इज 50 एम्पीयर है। तो कितना आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। ये हो जाएगा 100 अपॉन रूट टू और ये आपका वैल्यू आएगा 70.7। सो द राइट आंसर विल बी 70.7 एम्पीयर, ठीक है। आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन है अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम इन सेमी कंडक्टर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ होल्स द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज। क्या कह रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम में सेमी कंडक्टर, किसी सेमी कंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स टू द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ होल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंडक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, इनका रेशियो जब निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सर्किट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड टी इज 2 ओम एंड इट्स रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली हाई, ठीक है। तो ये मैच करने के लिए दिया हुआ है, कह रहा कि ये सर्किट दिया हुआ है आपका, ठीक है, सर्किट दिया हुआ है। इसमें ये देखिए डायोड है, यहाँ पर 8 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है लिस्ट कंसिस्ट ऑफ मीटर एंड अंदर लिस्ट शो इज मीटर रीडिंग। ये आपका क्या है, लिस्ट 1 में मीटर बता रहा है कौन सा मीटर है और लिस्ट 2 में उसकी रीडिंग बता रहा है, ठीक है। तो पीएमएमसी क्या दिया हुआ है, सर पीएमएमसी और हॉट वायर दिया हुआ, उधर ए बी सी डी में ये कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इनका हमें सही मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक डायोड दिया हुआ है और सीरीज क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये एक्ट करेगा किसकी तरह, एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। जब हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह जब एक्ट करेगा और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, डायोड का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है,
यहाँ देख सकते हैं फॉरवर्ड रजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से जब आप क्या निकालेंगे, मैक्सिमम करंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आई क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू 100 √2 अपॉन ये 8 इसका और इसका कितना 2, दोनों कितना आ जाएगा 2 + 8, ये टोटल कितना आ जाएगा 100 √2 अपॉन 10। 10 से 10 कैंसिल, ये कैंसिल होगा, 10 टाइम जाएगा, ये क्या जाएगा 10 √2, ठीक है। 10 √2 है यानी 10, कितना हो जाएगा ये। तो अब पीएमएमसी के लिए देखते हैं, पहले पीएमएमसी के लिए देखते हैं। तो पीएमएमसी क्या करता है, पीएमएमसी मीटर जो होता है वो डीसी वैल्यू को मेजर करता है। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे डीसी वैल्यू, हाफ ऑफ रेक्टिफायर का डीसी वैल्यू, यानी ये फाइंड करेगा आई डी सी, ठीक है। तो आई डी सी यहाँ से हो जाएगा क्या, आई एम अपॉन पाई, ठीक है। तो आई एम यहाँ पे आपका कितना है, आई एम आपका हो जाएगा आई मैक्सिमम, अब कितना है 100, नहीं सॉरी, यहाँ पे आई एम कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 के, अभी हमने फाइंड किया था कितना 10 √2, ठीक है। अभी हमने फाइंड किया था 10 √2 हो जाएगा। अब आज जब आई डी सी फाइंड करेंगे, आई डी सी क्या हो जाएगा, आई एम ओपन पाई, आई डी सी इक्वल टू आई एम ओपन पाई। तो यहां से आप सभी इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 4.5 एम्पियर, ठीक है। इसका हमने आई एम फाइंड किया था ना, अभी यहाँ पे आई एम हमने फाइंड किया था कितना आया था 10 √2। अब हॉट वायर से देखते हैं, हॉट वायर में जो मीटर होता है वो जो रीडिंग देता है वो आपका आरएमएस वैल्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, हॉट हॉट वायर मीटर क्या करेगा, मेजर करेगा आपका, ये आरएमएस वैल्यू देगा। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, आई आरएमएस हो जाएगा आपका आई एम अपॉन 2, ठीक है। आई एम अभी हमने निकाला 100 √2, सॉरी 100 नहीं, अभी हमने निकाला 10 √2, 10 √2 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7.07, ठीक है। इस तरह से अगर मैच करेंगे तो पीएमएमसी क्या क्या हो जाएगा 4.5, और हॉट वायर का आपका हो जाएगा 7.07। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 1 का b एंड 2 का a, 1 का b एंड 2 का a, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, राइट आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द फिगर डी इज एन आइडियल डायोड इफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज 50 वोल्ट, देन द आरएमएस करंट थ्रू 100 ओम इज, ठीक है। ये सर्किट आप देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये क्या है, आइडियल डायोड है। आरएमएस वैल्यू दिया गया है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज 50 वोल्ट एंड देन द आरएमएस करंट थ्रू 100 ओम इज, ठीक है।
इसमें हम दो कंडीशन देखेंगे, जब वी आई क्या है यहाँ पे जो वोल्टेज दिया हुआ है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे, और एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे तो ये आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, शॉर्ट हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा और टोटल करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी, इससे आपका करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, टोटल करंट जीरो, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इसके लिए करंट इससे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या है, दूसरा कंडीशन नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, जब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे तो ये डायोड आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, ये रिवर्स बायस में होगा, जब ये रिवर्स बायस में होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका ओपन हो जाएगा। जब रिवर्स बायस में हो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये हो जाएगा आपका रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो टोटल करंट कहाँ से फ्लो होगा, इससे करंट फ्लो हो जाएगा और वो करंट क्या हो जाएगा, वी आई अपॉन 100 क्या हो जाएगा, वो टोटल करंट रजिस्टर से क्या हो जाएगा, ये वी आई अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वी आई की जो आर एम एस वैल्यू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, 50 वोल्ट, ये क्या है, ये वी आर एम एस है। ठीक है, वी आर एम एस है 50। ठीक है, तो वी मैक्स क्या हो जाएगा, वी मैक्स आपका हो जाएगा 50√2। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, वी आर एम एस आपका होता है क्या, वी मैक्स अपॉन रूट टू। ठीक है, तो वी एम क्या हो जाएगा, वी मैक्स जब निकालेंगे तो वी आर एम एस रूट टू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या आ जाएगा, 50√2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम फाइंड करेंगे क्या, रजिस्टर से कितनी करंट होगी, रजिस्टर कितनी करंट होगी, तो यहाँ पे आई मैक्सिमम क्या निकलेगा, आई मैक्सिमम जब निकालेंगे हम ये हो जाएगा क्या, आई मैक्सिमम पहले निकालेंगे, ये 50√2 हो गया, 50√2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका √2/2। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है क्या, मैक्सिमम आई आर एम एस, आई आर एम एस फाइंड करना है फाइनली। तो अब ये आई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस होता है आई एम अपॉन 2। ठीक है, आई एम अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जब इसको करेंगे तो ये क्या जाएगा, और √2/4 हो जाएगा ये, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, √2, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.5/√2। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा क्या, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन रेक्टिफायर सर्किट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फिल्टर इज 2। रेक्टिफायर सर्किट में जो प्राइमरी फिल्टर का क्या फंक्शन होता है, पहला कंट्रोल द डीसी लेवल ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, रिमूव द रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट, तीसरा है मिनिमाइजेशन इनपुट वेरिएशन, डी है आपका सप्रेस ऑड हार्मोनिक इन द रेक्टिफायर आउटपुट। तो क्या करता है आपका, सिंपल फिल्टर जो होता है, फिल्टर आप क्या करता है, रिमूव रिपल्स फ्रॉम द रेक्टिफायर, जो रेक्टिफाइड आउटपुट होता है उससे रिपल्स निकालता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एन टाइप के अंदर द डोपिंग मटेरियल इज, एन टाइप के लिए कौन सी हम डोपिंग करेंगे, तो एन टाइप के लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डोपिंग होगी पेंटावेलेंट की। ठीक है, पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी उसमें हम डोप करेंगे, जैसे फास्फोरस हो गया। ठीक है, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, बिस्मथ हो गया, ये सब हम उससे पेंटावेलेंट होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन सेमी कंडक्टर द रेजिस्टिविटी डी, सेमी कंडक्टर में रेजिस्टिविटी, ये सब देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप देख भी रहे हैं कि ये क्वेश्चन SSC के JEE में आया हुआ है, तो जो PGT में वर्क एक्सपीरियंस में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से देखिए, ठीक है, फैक्ट बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 12 का इन अ सेमीकंडक्टर द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर, डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, डिपेंड्स ऑन करंट थ्रू इट एंड नन ऑफ द अबव। तो सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी आपका डिपेंड करेगा टेंपरेचर पर, ठीक है, सिंपली जो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, टेंपरेचर पर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर, ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर ब्लॉकिंग द DC कंपोनेंट ऑफ ए वोल्टेज सिग्नल और इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स, ठीक है, किसी भी सर्किट से अगर हमें DC ब्लॉक करना है तो वहां पे कौन सा कंपोनेंट हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा वोल्टेज सिग्नल के साथ, वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में हम कौन सा वहां पे कंपोनेंट यूज करें, तो सिंपली क्या है, कैपेसिटर यूज करते हैं ब्लॉकिंग के लिए, फिल्टर में भी कैपेसिटर लगा रहता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर, ठीक है। ये क्या करता है, ये एज ए ओपन सर्किट की तरह का वर्क करता है DC पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए हाफ रेक्टिफायर इज 100 वोल्ट, द RMS वैल्यू ऑफ द हाफ रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज विल बी, सिंपल है, क्या है RMS वैल्यू क्या आ जाएगा, वी मैक्स अपॉन 2, हाफ हाफ में क्या हो जाएगा, वी मैक्स अपॉन 2, तो यहां पर राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर बी, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द इबर्ट स्मॉल मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर, इबर्ट स्मॉल मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल होता है, पहला JFET, दूसरा BJT, तीसरा NMOS ट्रांजिस्टर, चौथा है UJT, ठीक है। तो सिंपली याद रखना है इवर्स स्मॉल मॉडल किसमें होता है, BJT में होता है, किसमें होता है, BJT में, राइट आंसर BJT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बिहेव लाइक 2SCR, 2SCR कौन सा ऐसा डिवाइस है जो 2SCR की तरह बिहेव करता है, तो सिंपली क्या है, पहला ऑप्शन है ट्राई MOSFET, JFET, UJT, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैक, ट्रैक किस तरह से बिहेव करता है, ये एज ए 2SCR लगे होते हैं, ठीक है। अगर इसका आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा डायग्राम, इसका डायग्राम इस तरह से होता है, इधर ये हो जाता है आपका, यहाँ पे इधर दूसरा लगा रहता है SCR, और ये ऐसे कनेक्ट रहेगा, और यहाँ पे इसका कंट्रोलर जो उसको गेट बोलते हैं, तो ये 2SCR काम करेगा, इसी को हम ट्रैक बोलते हैं, ट्रैक सर्किट यही है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ए, ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। इन एन AC सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट इज अप्लाइड टू हाफ रेक्टिफायर थ्रू ट्रांसफार्मर ऑफ टर्न्स रेशियो 10:1 as shown in figure, determine the peak inverse voltage across the diode, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या है, अगर 10:1 है यहाँ पर V2 फाइंड करेंगे तो V2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर V2 क्या हो जाएगा, V1/10, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये 230 दिया हुआ है अपॉन 10, ये आपका हो जाएगा 23 वोल्ट,
ठीक है। और इसका जो सर्किट क्या है, सेकेंडरी साइड सीरीज है, सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसका पीआईवी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, V2 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही होगा, ठीक है। तो V2 यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में V2 RMS वैल्यू है, क्या है RMS वैल्यू। तो V2 मैक्स क्या होगा, V2 मैक्स आपका हो जाएगा 223√2, उससे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इसका क्या जाएगा PIV हो जाएगा। और ये कितना होगा 32.5 लगभग ये आएगा, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी 32.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अ पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्टिंग अक्रॉस पी एन जंक्शन, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्टिंग अक्रॉस पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट करता है, क्या करता है वो। पहला है प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर, प्रिवेंट्स टोटल रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड फोर है प्रिवेंट्स न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्सेप्टर एंड डोनर आयन, ठीक है। तो क्या करता है पोटेंशियल बैरियर सिंपली क्या करता है, फ्लो ऑफ मेजोरिटी जो कैरियर्स होते हैं उनको क्या करता है, बैरियर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंट फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर, राइट आंसर विल बी बी, क्या हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द करंट इन ए रिवर्स बायस पी एन जंक्शन डायोड मे बी, ठीक है। रिवर्स बायस में पूछ रहा है कि पी एन जंक्शन में कितना करंट होता है, ठीक है। बिटवीन 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर, 3 माइक्रो नैनो एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, बिटवीन 0.2 एम्पियर टू 2 एम्पियर। तो आपको ध्यान रखना है कि रिवर्स बायस में जो करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर के उसमें होता है, ठीक है। या तो माइक्रो एम्पियर होगा कुछ, माइक्रो एम्पियर या कुछ नैनो एम्पियर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव द रिपल फैक्टर इज, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर पूछ रहा है, तो वहां पे रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, सिंपली हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव रिपल फैक्टर आपका वहां पे डी होगा 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विद द पॉजिटिव प्रोब ऑन एन एनपीएन बेस एन ओममीटर रीडिंग बिटवीन द अदर ट्रांजिस्टर टर्मिनल शुड बी, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। पॉजिटिव प्रोब ऑन एन एनपीएन बेस एंड ओममीटर रीडिंग बिटवीन द अदर ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स शुड बी, क्या होना चाहिए वो आपका लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, लो रेजिस्टेंस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन हैज ए प्रेफरेंस इन आईसी टेक्नोलॉजी बिकॉज, सिलिकॉन को क्यों प्रेफर किया जाता है टेक्नोलॉजी में, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। इट इज अ कोवेलेंट सेमीकंडक्टर, दूसरा है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ नेचर नेचर इन ऑक्साइड SiO2, इट इज एन एलिमेंट, इट इज इनडायरेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नेचर में ऑक्साइड SiO2 SiO का ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है, ठीक है, इसीलिए इसको यूज करते हैं सिलिकॉन का। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन बाई रजिस्टर कैन बी अचीव्ड इफ, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन बाई ए रजिस्टर कैन बी अचीव बाई, तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इट इज अ डायोड। यदि वो एक डायोड रहेगा तो हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन एक रजिस्टर से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देयर आर नो होल्स इन द मेटल मटेरियल, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल आर मोर देन होल्स, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल। तो 24 का क्या हो जाएगा, नंबर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं वो सेमीकंडक्टर में जहाँ पे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा,
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द माइनॉरिटी ऑफ द करियर कंसंट्रेशन इज लार्जली ए फंक्शन ऑफ। माइनॉरिटी ऑफ करियर कंसंट्रेशन, जो माइनॉरिटी करियर कंसंट्रेशन होते हैं वो किसका फंक्शन होता है, मेनली किसका होता है? दिया हुआ द अमाउंट ऑफ डोपिंग, टेम्परेचर, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज। तो उसका क्या होता है, मेनली होता है अमाउंट ऑफ डोपिंग का। तो द राइट आंसर विल बी अमाउंट ऑफ डोपिंग ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन देयर आर नो चार्ज, नो मोबाइल चार्जेस, नो करंट, नन ऑफ दीज। तो वहां पे क्या होते हैं, कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं होता डिप्लेशन रीजन में। तो द राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 27, द डोनर एटम इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट ए नॉर्मल टेम्परेचर। डोनर एटम जो होते हैं एन टाइप में सेमीकंडक्टर में नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं। ठीक है, इसको कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, ए, कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द बेसिक शिफ्ट रजिस्टर ऑपरेशन इज। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर का बेसिक ऑपरेशन पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, पहला दिया हुआ है आपका सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, और देखिए पैरेलल इन सीरियल आउट। तो इसमें क्या है, सारे होते हैं जैसे आप यूज करना चाहें। ठीक है, सीरीज पैरेलल, पैरेलल सीरीज। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, और ऑप्शन का करेक्ट। 29 देखिए, फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ फॉर पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एनर्जी लेवल पूछ रहा है, फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ पर वो लाइज करता है। पहला दिया हुआ एट मिडिल ऑफ द बैंड गैप, दूसरा क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, क्लोज टू द वैलेंस बैंड, और फोर्थ दिया हुआ नन ऑफ दिस। तो आपका फर्मी एनर्जी लेवल पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में लाइज करता है कहाँ पे, क्लोज टू वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी, वैलेंस बैंड के पास। ठीक है, द एवरेज वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज। एवरेज वोल्टेज पूछ रहा है फुल वेव रेक्टिफायर में, क्या होता है, 2 Vm/π, 2 Vm/π। ठीक है, हाफ वेव में Vm/π होता है और फुल वेव में 2 Vm/π। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, कंसीडर ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर, द नंबर ऑफ फ्री कैरीज कैरियर्स एट द फर्मी लेवल एट रूम टेम्परेचर इज। हाफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल, हाफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल, हाफ द नंबर ऑफ एटम इन द क्रिस्टल, एंड डी, जीरो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हाफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल। ठीक है, फर्मी लेवल पर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो 31 का क्या हो जाएगा, बी। 32 क्या है देखिए, सेमीकंडक्टर इज फॉर्मड बाय, सेमीकंडक्टर कौन से बॉन्ड से बना होता है, सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड। राइट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, करा फ्रेशली पेंटेड लेयर में भी ड्राइड इलेक्ट्रॉनिकली बाय। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेई में। ऑप्शन है कन्वेक्टिव हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, द इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड एमिसिव हीटिंग। ठीक है, तो ये क्या था, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। राइट आंसर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, ये पूछा जा रहा है। पहला, द लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन, वॉल्यूम ऑफ द सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन, एंड एटॉमिक नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा आपका, एटॉमिक नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर, उसके एटॉमिक नेचर पर डिपेंड करता है। सो द राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35,
अजर्मेनियम एटम कंटेन्स, क्वेश्चन इजी है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा टीजीटी एक्सपीरियंस में, वर्क एक्सपीरियंस का जो क्वेश्चन पेपर होगा, टेक्निकल जो सेक्शन होगा उसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये तो अजर्मेनियम एटम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन एंड 6 प्रोटॉन। तो वहां पे क्या होता है, जर्मेनियम एटम में क्या होते हैं, जर्मेनियम एटम में आपका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ होल इज द वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स इट्स कोवेलेंट बॉन्ड एंड एटॉमिक कोर मूव्स एंड इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, एन इलेक्ट्रॉन रिवर्ट्स फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। क्या हुआ राइट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लीस्ट इन द केस ऑफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्योर जर्मेनियम, ऑप्शन सी। अब प्योर जर्मेनियम में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बैंड के जो वो जो गैप होता है वो क्या होता है, सबसे लीस्ट होता है। ठीक है, फिर 37 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होता है ये भी देख, माइका तो आपका इंसुलेटर है तो इसमें तो बहुत ज्यादा गैप रहेगा। ठीक है, इसका गैप आपका 6 to 7 वोल्ट होता है इंसुलेटर का। ठीक है, जर्मेनियम का कितना होता है, जर्मोनियम का होता है आपका 0.72 और सिलिकॉन का होता है आपका 1.1 वोल्ट। लिस्ट कितने हुआ, जर्मनी में। राइट आंसर विल बी जर्मनी। ठीक है, क्वेश्चन 13, डोनर इंप्योरिटी एटम इन ए सेमीकंडक्टर रिजल्ट्स इन, डोनर इंप्योरिटी एटम इन ए सेमीकंडक्टर रिजल्ट इन न्यू क्या, वाइड एनर्जी बैंड, नैरो एनर्जी बैंड, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जस्ट अबव। तो ये जब डोनर इंप्योरिटी की बात होगी तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होगा जस्ट बिलो द कंडक्शन लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर इज, पी टाइप सेमी कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का चेंज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 40 है, चेंज ऑफ कजिक कंसंट्रेशन अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड, चेंज ऑफ करियर कंसंट्रेशन अलोंग द लेंथ ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, इन एन सेमीकंडक्टर मोमेंट ऑफ चार्ज कैरी कैरियर्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस की वजह से जो मूवमेंट होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन है डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, मोबिलिटी, कनेक्टिविटी। तो उसको आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन तो ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपका, आपको बी है, ड्रिफ्ट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा ड्रिफ्ट होगा, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होगा उसको हम डिफ्यूजन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इन प्योर सीमेंट प्योर सिलिकॉन मेजर पार्ट ऑफ द ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन है देयर आर मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स, सेकंड ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन द वैलेंस बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल्स। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन, जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे, होल से। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 43, सेमीकंडक्टर मे बी मेड एन टाइप बाय एडिंग डोनर इंप्योरिटी, सेमीकंडक्टर मे बी मेड एन टाइप बाय एडिंग डोनर इंप्योरिटी, ऑप्शन ए है ड्यूरिंग जोन रिफाइनिंग, ऑप्शन बी ड्यूरिंग केमिकल प्योरिफिकेशन, ऑप्शन सी है ड्यूरिंग क्रिस्टल पुलिंग, एंड ऑप्शन डी है बिफोर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। तो राइट आंसर विल बी ड्यूरिंग क्रिस्टल पुलिंग, ऑप्शन हो जाएगा क्या सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो कहाँ लाई करता है, वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है एट मिडिल ऑफ द बैंड गैप, बी है क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, सी है क्लोज टू वैलेंस बैंड, डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जब एन टाइप में जब पूछा जाएगा तो एन टाइप में जो आपका फर्मी लेवल होगा वो बी क्लोज टू कंडक्शन बैंड होगा। ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, द डिफ्यूजन पोटेंशियल अक्रॉस द पीएन जंक्शन ए है डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डोपिंग कंसंट्रेशन, इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग बैंड गैप, डज नॉट डिपेंड ऑन डोपिंग कंसंट्रेशन, इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डोपिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डिफ्यूजन पोटेंशियल होता है किसी भी पीएन जंक्शन के अक्रॉस वो इंक्रीज होता है किससे, डोपिंग कंसंट्रेशन। जैसे जैसे डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका डिफ्यूजन पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। सो द राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग टू डायोड द फोर डायोड ब्रिज रेक्टिफायर हैज द डोमिनेंट एडवांटेज। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर जो यूज करते हैं दो डायोड यूज करके, वो पूछ रहा है द फोर डायोड ब्रिज रेक्टिफायर से किस तरह से हमें एडवांटेज मिलता है। तो पहला हायर करंट कैरिंग कैपेसिटी, दूसरा लोअर पीक इनवर्स वोल्टेज रिक्वायरमेंट, तीसरा है लोअर रिपल फैक्टर, चौथा है हायर एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपको मेन चीज याद रखना है कि इसका क्या होता है, इसमें पीआईवी क्या होता है, इसमें लोअर पीक इनवर्स वोल्टेज रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है दो डायोड के साथ यूज करते हैं उसमें पीआईवी आपका क्या होता है, कम होता है, और ब्रिज रेक्टिफायर में ज्यादा होता है, इसलिए हम ये इसका एडवांटेज है। क्वेश्चन 47 देखते हैं, इन जर्मेनियम व्हेन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन जर्मेनियम व्हेन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ए है ईच शेयर्ड एटम लीव्स अ होल, ऑप्शन बी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, सी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इरिवर्सिबल कोवेलेंट बैंड, एंड डी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिवर्सिबल कोवेलेंट बैंड। यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिवर्सिबल कोवेलेंट, ऑप्शन डी राइट हुआ। क्वेश्चन 48 देखते हैं, इन प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू, प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है, बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49, क्वेश्चन 49, टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन प्योर सेमीकंडक्टर इज,
प्योर सेमी कंडक्टर में जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है वो क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। 50th क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स इन सेमीकंडक्टर रिजल्ट इन न्यू। अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी उस लास्ट क्वेश्चन में था, प्रीवियसली ये डोनर था, अभी ये एक्सेप्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका ऑप्शन दिए वाइड एनर्जी बैंड, नैरो एनर्जी बैंड, थर्ड है डिस्क्रीट एनर्जी और जस्ट बिलो कंडक्शन लेवल, डिस्क्रीट एनर्जी और जस्ट अबव वैलेंस बैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा डी, डिस्क्रीट एनर्जी और जस्ट अबव द वैलेंस लेवल, ये डी। इस तरह से हमने देखा 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बाकी के आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, दूसरे पार्ट में। ठीक है, उसमें हम कंप्लीट करेंगे।